आलू शायद बड़ा है तो इस वजह से मुझे ये ईंटें निकालनी पड़ेंगी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आई होप यू गाइज एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा हवाई आलू, यानी कि वैसे तो नॉर्मली जो आलू लगता है पोटैटो होता है वो ज़मीन के अंदर लगता है, लेकिन हवाई आलू आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे जो बेल है इसको हवाई आलू बोला जाता है। वैसे कुछ जगह में इसकी खेती भी की जाती है, मैं तो इसको ऐसे ही मतलब डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे लेके आ गया था, लेकिन अभी मैंने देखा इस पर आलू आ गए, फिर मैंने थोड़ा इस पर गूगल पर रिसर्च किया तब मुझे पता चला इसको डायबिटीज़ लोग भी खा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पर किस तरह के पोटैटो जो हैं वो आते हैं। तो गाइस आप देख रहे होंगे ये हैं हवाई आलू, और जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे तो ये लुक वाइज में भी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो इसको बेल को ऐसे ही लेके आ गया था डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे, जैसे मैंने छोटा सा इधर एक पार्क सा ये बनाया हुआ है, लेकिन इसके नीचे भी बहुत 3-4 किलो का आलू लगता है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे भी आलू आ रहा है। तो अभी मैं इसको नीचे से इसकी खुदाई करके दिखाऊंगा। लगभग 3 से 4 kg का इसके अंदर आलू आ जाता है, और आप देखिए गाइस ज़मीन नॉर्मली ज़मीन सब इस तरह नीचे है, लेकिन ये उफान गई है, यानी कि थोड़ी ऊपर की साइड हो गई है। इसका मतलब है कि आलू इसके नीचे बहुत बड़ा हो गया है, तब उसको जगह नहीं मिली तो वो ऊपर की साइड, मिट्टी जो है ऊपर की साइड आ गई है। चलिए मैं आपको उसके नीचे से खुदाई करके दिखाता हूँ कि आलू कितना बड़ा आया है। और हाँ गाइज आप भी इसको उगा सकते हैं अगर कहीं से आपको इसका मिल जाए। ये जो बेल है इसके यहाँ से इस तरह से इसको आलू को तोड़ लो, और ये देखिए इस तरह के इसके अंदर जो ये स्प्राउट से थोड़े निकल रहे हैं, इसको ज़मीन के अंदर ऐसे ही वैसे तो कट करके भी लगा सकते हैं, ऐसे ही ये बेल भी उग जाएगी और ऊपर भी आलू आएंगे और नीचे की साइड भी आलू आएंगे। अभी मैं वैसे इसको एक बार काट के देखता हूँ पहली बार कि इसके अंदर से आलू दिखता कैसा है। तो गाइज मैं नीचे से जब वो नीचे से निकाल दूंगा आलू, तो फिर मैं इसको इनमें से कोई सा भी वैसे और भी ऊपर आए हुए हैं उनको लगा लूँगा। अभी मैं इसको, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने पहले थोड़ा अरबी तरह का रहता है, थोड़ा इसमें इसके अंदर थोड़ा चिपचिपाट सा है और अरबी की तरह रहता है ये आलू। देखिए गाइज इस तरह का रहता है। चलो अब नीचे से खोद के देखता हूँ कितना बड़ा आलू आया हुआ है उसके नीचे। तो मैं अब इसकी खुदाई करने जा रहा हूँ, देखता हूँ नीचे से कितना बड़ा निकलता है। आलू शायद बड़ा है तो इस वजह से मुझे ये ईंटें निकालनी पड़ेंगी। आप देख रहे होंगे, देखिए गाइज नीचे तक है। अभी मैं एक फावड़ा लेके आता हूँ तब इसको निकालता हूँ। वैसे एक नीचे से ये इतना बड़ा निकला है, और खुदाई करता हूँ। तो गाइज ये निकल चुका है, लगभग 2 kg का तो ये होगा ही। देखिए गाइज इसको बोलते हैं हवाई आलू। सच में यार नीचे से तो बहुत बड़ा निकला है, ओ माय गॉड। ये देखिए गाइज 2 kg के लगभग ये आलू होगा। तो अब मैं इसको वॉश कर तब इसका यूज़ करेंगे, और जैसे मैंने अभी आपको बताया है अगर आप भी कहीं से लगाना चाहते हैं तो मैं अभी क्या काम करूँगा, 2 आलू निकले हैं वैसे, ये थोड़ा छोटा है, और ये देखिए गाइज कितना बड़ा निकला है, और ऊपर की साइड एक छोटा सा और एक लगा हुआ है हवाई आलू। ये गाइज ऊपर की साइड में, अब तोड़ के दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइज जैसे ये निकला हुआ है तो मैं इसको इस तरह इस तरीके से ही यहाँ पे नीचे रख दूँगा, थोड़ा मिट्टी डालूँगा और इस तरीके से, और फिर ये नई जो बेल है वो फिर से बन जाएगी। थोड़ा सा इसके ऊपर पानी वानी डाल दूंगा। तो देखिए गाइज इस तरीके से, और आलू हमारा रहा ये।
सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो एग्रीकल्चर की है उससे भरी वीडियो जो अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। अदरवाइज़ मैं और भी वीडियो फूड चैलेंजेस फूड की वीडियो डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन नमस्कार।